नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह आपका दोस्त नामधारी प्रोडक्ट चैनल से। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो टीपी लिंक का वाईफाई राउटर है, मतलब वाईफाई अडाप्टर है यूएसबी, वो हमारे दोहा के डीवीआर में कैसे लगाया जाता है। और आज हमारे पास जियो भाई डोंगल भी है जो विदाउट बैटरी है, वो भी कैसे कनेक्ट करेंगे अब डीवीआर के साथ, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने सेटअप तैयार कर रखा है। तो हमारे पास जियो डोंगल 2 है, ठीक है। जियो डोंगल 2 क्या है? जियो डोंगल 2 है जो विदाउट बैटरी होता है। जैसे कि हम देखते हैं घरों में, जैसे कि हम आजकल जियो डोंगल मिल रहा है मार्केट में, ये स्पेशल जियो डोंगल है जो कि लाइट होने पर हमेशा ऑन रहेगा, या फिर हम इसको डीवीआर में भी डायरेक्ट लगा सकते हैं ताकि अगर हमारा डीवीआर ऑन है तो ये वाईफाई डिस्ट्रीब्यूट करता रहे। और वाईफाई कैसे लेगा डीवीआर, उसके लिए हमारे पास यहाँ टीपी लिंक का एक वाईफाई यूएसबी अडैप्टर है 300 एमबीएस, जिसका मॉडल नंबर है TP TL 823N 800 मॉडल नंबर है इसका, मतलब जो कि यहाँ पे इन्होंने इसकी जो स्लिप है उसमें लिखा हुआ है, और आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से दिख जाएगा मतलब ये कौन सा मॉडल है। ये मार्केट में बहुत अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं, मतलब 700-800 रुपये के करीब ये आता है। तो जैसे कि हम ये वाईफाई जियो फाई जो है हम चाहे तो यहाँ लगा दें, लेकिन हमने यहाँ पे एक साइड पे माउस लगाया है, दूसरे पॉइंट पे हमें वाईफाई लगाना पड़ता है। हमारे पास यहाँ पे पॉइंट खाली नहीं है, तो इसे मैं यहाँ पे इजीली जो है टीपी लिंक का जो वाईफाई है इसे यहाँ पे लगा दूंगा वही यूएसबी पॉइंट में। चाहे तो आप आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं। और जियो फाई के लिए हमारे पास फिलहाल इसमें पॉइंट नहीं बचा है यूएसबी के लिए, या तो आप यूएसबी एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास जियो फाई के साथ ये एक अडाप्टर इन्होंने दे रखा है जो दीवार में लग जाएगा प्लग पे, तो इसमें मैं इसको लगा के यहाँ दीवार पे इसको इजीली इसको प्लग कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये ऑन होने में टाइम लगेगा, इसकी लाइटें आ जाएगी दोनों, तब तक जो है जैसे कि हमने यहाँ पे जैसे ही इसको लगाया यहाँ पे कुछ वेटिंग का साइन आ चुका है हमारे पास यहाँ डीवीआर में, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसका मतलब है हमने कोई प्लग किया है डिवाइस, उसको ये सेंस कर रहा है, और देखो ये अपने आप ही वाईफाई का खुल गया। मतलब अगर मैं मेन्यू में नहीं जाता तो ये अपने आप ही शो कर जाना था इसने। जैसे कि मैं आपको दोबारा बता सकता हूँ, जैसे कि मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है जी, और इसमें प्लग किया, तो अगर तो हमने इसमें पासवर्ड इनपुट करके रखा है, इनकी एक बार हम मेन्यू में जा चुके हैं और पासवर्ड हमने डाल दिया था, तो हम वेट कर सकते हैं भी ये हमारे को पॉपअप करेगा खुद ही वाईफाई के सिग्नल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वाईफाई का सिग्नल थोड़ी देर में दिखा देगा, अगर नहीं दिखाता है तो आप जो है इससे मेन मेनू में जा सकते हैं। हमारे को अभी थोड़ा जल्दी है, मेन मेनू में जाके आप नेटवर्क में जाके यहाँ पे वाईफाई के सिग्नल में क्लिक कर सकते हैं और यहाँ रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये ढंग से लगा नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, मतलब इसको सही तरीके से लगाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइम लगा रहा है, इसका मतलब है भी कोई डिवाइस इसमें प्लग हो चुका है, उसको सेंस कर रहा है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये इसको अच्छी तरीके से रीड कर सके। नेटवर्क में गए, वाईफाई में गए, या वाईफाई के सिग्नल लाने में टाइम लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वाईफाई के सिग्नल आ चुके हैं, यहाँ पे हमारा पास जियो फाई टू का जो जियो डोंगल का 2 है वो भी आ चुका है, जियो डोंगल 2 का सिग्नल, उस पर हम क्लिक करके यहाँ पे वाईफाई ऑटो कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। वाईफाई ऑटो कनेक्ट का मतलब है जब भी हम डीवीआर रीस्टार्ट होगा ये अपने आप, तो ये ऑटोमेटिकली जो वाईफाई का हमने कनेक्शन बना के रखा है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। बाकी इस पे क्लिक करने के बाद हम कनेक्ट का साइन पे क्लिक करेंगे, ये पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डालने के बाद जो है ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। हमने पासवर्ड डाल के रखा है, पिछली बार कनेक्ट हुआ था हमारा, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आईपी एड्रेस आ चुका है, इसका मतलब है ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है जी। तो अब इस तरीके से जो है हमने डीवीआर को वाईफाई से जोड़ा और हमारा पीयर टू पीयर जो है यहाँ पे ऑनलाइन आ जाएगा। अभी तो ये नया इसकी सिम एक्टिवेट होने में भी टाइम है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो है ये इस तरीके से जो है जियो फाई डोमेन से जुड़ेगा और सही तरीके से काम करेगा। धन्यवाद।